बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम इन टेस्टी सी चार्ट्स में यूज होने वाले चनों को परफेक्टली बॉयल करना सीखेंगे। समटाइम होता क्या है कि चने तो बहुत अच्छे से बॉयल हो जाते हैं हमारे, लेकिन उनका छिलका उतर जाता है और ये छिलका ना तो खाते में अच्छा लगता है और ना ही देखने में अच्छा लगता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि चने परफेक्टली बॉयल भी हो जाएं और इनका छिलका भी ना उतरे? तो आज की इस वीडियो में आपको ये राज पता चलने वाला है। आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, बहुत छोटी सी वीडियो है। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसे शेयर जरूर करना है, क्योंकि मेरा ये यकीन है जब हम दूसरों के साथ आसानियां शेयर करते हैं तो अल्लाह हमारे लिए भी आसानियां पैदा फरमाते हैं। तो अपना वक्त जाया किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे काबली चने मैंने लिए हैं 1 kg। काले चने भी अगर आपने उबालने हैं तो वो भी इसी तरह ही उबालेंगे। इनको अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया था। भिगोने से एक तो इनकी गजाइत में इजाफा हो जाता है, दूसरा इनका साइज भी डबल हो जाता है। आप चाहें तो रात भर भी इसे भिगो सकते हैं, उससे इसका कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। अब इसमें जो पानी था वो मैंने रिमूव कर दिया है। इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच मीठा सोडा। ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं है, ठीक है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मीठे सोडे में क्या फ़र्क है, इसकी वीडियो मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड पे दे दूंगी इंशाल्लाह। अब मीठा सोडा जो हमने इसमें ऐड किया है, इसे हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी पानी ऐड नहीं करना है, इनको ऐसे ही रहने देना है। इसमें हमने कोई भी नमक वगैरह ऐड नहीं किया है। अब इसे हम कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रहने देंगे, ठीक है? 10 मिनट के बाद हम इसे खुले पानी से 2 से 3 मरतबा खंगाल लेंगे, यहाँ तक कि सारा मीठा सोडा अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। अब इन्हें बॉयल करने के लिए मैंने प्रेशर कुकर का इंतखाब नहीं किया है। आप चाहें तो प्रेशर कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप इसे पतीली या देगची में भी उबाल लें। तो यहाँ पे मैं इसे खुले बर्तन में ही उबालूंगी। 3 से 4 लीटर मैंने यहाँ पे पानी लिया है और इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया है। पानी को आपने पहले बॉयल आने देना है, उसके बाद नमक और चने ऐड करने हैं, ठीक है? अगर आप ये तमाम स्टेप फॉलो करते हुए चने बॉयल करेंगे तो जिन लोगों को अक्सर चने खाने के बाद गैस का मसला होता है तो वो भी इंशाल्लाह नहीं होगा। अब मैं इसे कवर कर दूंगी। चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाना ही रखा हुआ है। अगर आपने चने ओवरनाइट भिगोए हैं तो प्रेशर कुकर में ये मुश्किल से 5 से 10 मिनट में बहुत अच्छे से गल जाते हैं, लेकिन आपने रात को जब भिगोने हैं तो उसमें मीठा सोडा ऐड नहीं करना है, नहीं तो उसका छिलका उतर जाएगा। प्रेशर कुकर में जब चने बॉयल किए जाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया जाता है, क्योंकि वो थोड़े से वक्त में ही बहुत अच्छे से गल जाते हैं। लेकिन जब हम इसे पतीली या देगची में उबालेंगे तो हमने खुला पानी इसमें ऐड करना है, क्योंकि उबलते उबलते ये काफ़ी हद तक पानी को खुश कर लेते हैं और बहुत अच्छे से नरम भी हो जाते हैं। आप देख सकते हैं 30 मिनट्स के बाद इसने अपना पानी अच्छा खासा खुश कर लिया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अभी अच्छी तरह से गले नहीं है। तो इसे मज़ीद अच्छा सा गलाने के लिए हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और पानी यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप ऐड किया है। इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और हल्की आंच पे 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद बॉयल करेंगे, यहाँ तक कि चने बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाएं। उसके बाद इसका एक्स्ट्रा पानी जो भी है हमने रिमूव कर देना है और इसे खुले पानी से अच्छी तरह से खंगाल लेना है। अगर आप इनको फ्रीज करना चाहते हैं तो आपने इनको पहले मुकम्मल तौर पे ठंडा करना है, उसके बाद फ्रीज करने हैं, वरना ये खराब हो जाएंगे। आपने अपने अंदाजे के मुताबिक जितना आपको एक दफा इस्तेमाल करने हैं चने, उतने हिसाब से इनकी पैकिंग बना लें, या तो जिपलॉक बैग्स में अलग कर लें या एयरटाइट बॉक्स में अलग कर लें। आप इन्हें आराम से 6 से 7 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 45 मिनट में चने बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, ना ही तो ये टूटे हैं और ना ही इनका छिलका उतरा है। तो आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अल्लाह आप सबका दस्तखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकअल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।